खूप मोठा विजय देखील मिळवलेला आहे आणि तो संघ दाखल होतोय दुसऱ्या फेरीमध्ये। आणि सामना पण पाहू शकाल दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना स्वर्गीय महेश मूर्ती पोगाव विपक्ष आपण पाहतोय राज क्रीडा मंडळ कुलगाव या दोन टीम मध्ये। दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा सामन्यासाठी। स्ट्राइकला फलंदाज तुषार शेलके, नोस्टर फलंदाज सागर। यावेळी बॅटची बाहेरची कडा आणि चेंडू जातोय लॉंग स्टॉप सी मार्चीच्या बाहेर चौकार। यावेळी पुन्हा एकदा बॅटची बाहेरची कडा आणि पुन्हा एकदा नशिबाची साथ मिळते पोगाव टीमला। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतोय पोगाव टीमच्या माध्यमातून। लक फॅक्टर ऑन होत आहे। धावसंख्या 8 धावा फलकावरती 4 षटकांचा सामना आहे दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना। यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय परंतु लाईन पावी लागेल पंचांचा इशारा व्हाईटचा येतोय। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल 9 धावा फलकावरती आहेत। जेपी पॅनलचे हे गुणवान पंच आपण पाहू शकाल रतन मानेरकर सर आणि ऋषी देसाई सर। यावी फुल टॉस चेंडू आहे सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय फेकून देतोय स्क्वेअर लेग सी मारेशीच्या बाहेर वन बाउन्स ओवर द लाईन चौकार। मॅच सिद्धिविनायक क्रिकेट संघ आपटी आयोजित स्वर्गीय अशोक शेठ दलाल साहेबांच्या स्मरणार्थ आपण पाहतोय आपटीकर चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन। क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आपण अनुभवतोय मानाची सन्मानाची आणि लोकप्रिय क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय। आपटीकर चषकामध्ये आलेल्या सर्वांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत। जे प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा एन्जॉय करतात त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत। 5 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय आज स्पर्धेत शेवटचा अंतिम दिवस सुपर संडे सुपर फिनालेचा दिवस आहे। स्ट्रायकिंग फलंदाज तुषार यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय सुरेख फटका एक धावतर कम्प्लीट केली आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सी मार्शीच्या बाहेर सलगच्या चौथा चौकार येतोय फलंदाज तुषार शेलकेच्या बॅटमधून। तुषार शेलके ऑन फायर मॅच 17 धावा फलकावरती आहेत। अप्रतिम फलंदाजी होती या मैदानावरती तुषार शेलकेचा बल्ला बोलतोय या सामन्यामध्ये उर्ध विकेट सुदर्शन। यावी सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉइंट सी मार्शीच्या बाहेर चौकार। धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल 21 धावा फलकावरती सलगचे 5 चौकार आपण पाहतोय तुषार शेलकेच्या बॅटमधून। अप्रतिम बॅटिंग होतीये यावी चांगला चेंडू आपण पाहतोय कॉट बॅनची अपील आणि फलंदाज बाद बिग विकेट डाऊन पहिला मोठा धक्का बसतोय 21 या धावसंख्येवरती तुषार बॅक टू द पवेलियन। पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्वर्गीय महेश मूर्ती पोगाव या टीमची धावसंख्या आहे 1-21।
नवीन फलंदाज त्रिमूर्ती येतोय. सागर पाटील आणि त्रिमूर्ती ही जोडी आपण पाहतोय वीस मैदानावरती आहे. पोगाव या टीमच्या माध्यमातून दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आपण पाहतोय. स्वर्गीय महेश मूर्ती पोगाव विपक्ष राजक्रीडा मंडळ कुळगाव या दोन टीममध्ये. यापुढे सामना असेल आंबे विपक्ष मात्रेपाडा. या दोन संघांमध्ये दोन्ही संघ आपण पाहू शकाल मलंगड विभागातील हे दोन संघ आमने सामने असतील या सामन्यामध्ये. एकाच विभागातील हे दोन संघ आहेत. जय कालेश्वर आंबे विपक्ष आपण पाहू शकाल, तो म्हणजेच मात्रेपाडा या दोन टीममध्ये. यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरे गोलंदाजी ब्लॉकलचा वापर केला होता. खोदून काढू चेंडूला. एक धाव तरी कंप्लीट केली. धावाची संधी असेल आणि दोन धावा कंप्लीट. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अथवा सागर पाटीलला मैदान सोडावं लागलं असतं परंतु चेंडूला गॅदर करू शकला नाहीये. गोलंदाज आपण पाहतोय मुन्ना. धावसंख्या दोनने पुढे सरकेल 23 धावा. धावफलकावरती आहेत षटक क्रमांक आपण पाहतोय. दुसरा मार्गस्थ आहे गोलंदाज. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय मुन्ना. स्ट्राईक इन फलंदाज सागर पाटील. सागर पाटील आणि त्रिमूर्ती ही जोडी आहे. पहिल्या षटकामध्ये तुषार शेळकेने खूप चांगली बॅटिंग केली. 5 चौकार आले तुषारच्या बॅटमधून. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे. डीप मिडविकेटला शतरक्षक आहेत. एक धाव तरी कंप्लीट केली. चांगली शतरक्षण डीपमध्ये होत आहे आणि तेवढीच चांगली फेकी होते. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या एकने पुढे सरकते. 24 धावा धावफलकावरती आहेत. 24 धावा धावफलकावरती आहेत. 4 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. दुसरं षटक सुरू आहे. गोलंदाज मुन्ना राईट आर्म ओवर द विकेट. गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. स्लोवर वन चेंडू आपण पाहतोय. आपल्या गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन दाखवतोय गोलंदाज मुन्ना. डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या 24. जो संघ जिंकेल तो संघ थेट क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश करेल. अस्तित्वाची लढाई आपण पाहतोय या दोन संघांमध्ये. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे. सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय आणि चेंडू जातोय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकते. 30 धावा धावफलकावरती. आज जो संघ पुढे सरकेल त्या टीमला सेमीफायनलमध्ये रायते इलेव्हन रायते या टीम समोर फाईट करावी लागेल. कारण की रायते इलेव्हन रायते या टीमने 4 सामने जिंकलेले आहेत आणि आज जो संघ 3 सामने जिंकेल तो संघ थेट क्वालिफाय होईल सेमीफायनलमध्ये. स्ट्रॉंग अपील आहे आणि एक धाव कंप्लीट होते. चांगले शतक्षण आपण बघतो. 38 सर्कलमध्ये शॉर्ट लेगला एकच धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. 31 31 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज मुन्ना. यावीस फुल टॉस चेंडू. एक धाव तर कंप्लीट केली. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण. आपल्या टीमसाठी 3 धावा वाचवण्यामध्ये यश आलंय. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय आणि पहिल्या 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16.00 सरासरीने 32 धावा धावफलकावरती पोगाव या टीमची. पहिल्या षटकामध्ये 21 धाव बनवल्या होत्या आणि या षटकामध्ये 11 धाव बनवत आहेत पोगाव हा संघ. 16.00 जे सरासरी आपण पाहतोय प्रति षटकामागे मेंटेन ठेवली जाते. जर या सरासरीने फलंदाजी केली 4 षटकांपर्यंत तर नक्की 64-65 धावा बनवण्यामध्ये यश येईल. ते म्हणजे पोगाव टीमला. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय कुशाल येतोय गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्रायकिंगला फलंदाज सागर पाटील आहे.
सागर पाटील आणि त्रिमूर्ती ही जोडी आपण पाहतोय फ्लाइंग स्टार्ट करून दिला होता तुषार शेलकेने पोगाव या टीमला. पोगाव या टीमने पहिल्या सामन्यामध्ये पोई बी या टीमला पराभूत केलं. यावेळीस शरचा वेध घेतला जातोय. एक धाव तर कंप्लीट केली आहे. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतं. धावसंख्या एकने पुढे सरकते. 33 धावा धावफलकावरती आहेत. मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकाल रतन मानेरकर सर आहेत मॅन फ्रॉम पालेगाव अंबरनाथ. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय स्क्वेअर लेगचे पंच आहेत ऋषी देसाई सर मॅन फ्रॉम डोंबिवली. हे दोन ऑफिशियल पंच आपण पाहू शकाल. जे पी पॅनलचे हे गुणवान पंच. यावी चांगला स्ट्रोक आहे. सुरेख टायमिंग. चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर आउट ऑफ द पार्क. बिग 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 षटकार. फलकावरती आपण पाहू शकाल 39 39 धावा फलकावरती त्रिमूर्तीचा बल्ला बोलतोय या मैदानावरती. अजून एक चांगला फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर. स्टँड अँड डिस्पॅच. षटकार. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहू शकाल 45 धावा धावफलकावरती. यावीस फुल टॉस. चेंडू आणि चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर लॉंग लॉंग बिग वे माइटी ह्यूज मॅक्सिमम षटकार. शिकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय. सरड्याप्रमाणे रंग बदलला या खेळपट्टीने. कारण की पहिल्या दिवसामध्ये 48 धावा हा उच्चांक होता आणि त्यानंतर आपण पाहतोय दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या आणि या पाचव्या दिवसामध्ये धावांचा अक्षरशः पाऊस पडलाय. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉलची समाप्ती. 51 धावा धावफलकावरती. सुटकेचा श्वास घेतला असेल गोलंदाज कुशालने. कारण की सलगचे 3 षटकार आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू फेकलाय गोलंदाज कुशालने. 3 षटकार आपण पाहिले. फलंदाज त्रिमूर्तीच्या बॅटमधून अप्रतिम फलंदाजी होते. अजून एक चांगला फटका आहे. क्षेत्रक्षक आहेत सुरेख जेल टीपलाय. डीप लॉंग ऑनला फलंदाज बाद त्रिमूर्ती बॅक टू द पवेलियन. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पोगाव या टीमची धावसंख्या आहे 51 धावा.
तर नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय अविनाश येतोय. आमचे समालोचक मित्र व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ सोनू भांगर देखील ही स्पर्धा एन्जॉय करतो. त्यांचा देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्विच इट क्या बात है, सुरेख टाइमिंग आठवण करून देतोय केविन पीटरसनची आणि चेंडू जातोय सी मारेशीच्या बाहेर चौकार. यावी चांगला चेंडू आहे, सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय, अफडरचा फटका आपण पाहतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली, फंबल होतो आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. जिथे एकच धाव होती तिथे मात्र या दोन धाव मिळत आहेत. धावसंख्या दोन ने पुढे सरकेल. 57 धाव धावफलकावरती आहेत. अप्रतिम कॉन्टेस्ट आपण पाहतोय, बॅटल आपण पाहतोय या दोन दिग्गज संघांमध्ये. एक संघ आपण पाहतोय बदलापूर विभागातील संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय भिवंडी तालुक्यातील संघ पोगाव विपक्ष कुलगाव. या 20 फुल टॉस आणि पंचांनी हा चेंडू नो चेंडू घोषित केलेला आहे आणि 1+1 एकूण दोन धाव मीटर या चेंडूवरती आणि पुढील चेंडू फ्रीट असेल. धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकेल. 59 धाव धावफलकावरती आहेत. तर टॉससाठी यायचा आहे, विनंती असेल आंबे संघाने टॉससाठी या त्वरित. सामना असेल आंबे विपक्ष मात्रेपाडा या दोन टीम मध्ये. कृष्णा मात्रे देखील उपस्थित आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आंबे संघाने देखील येत आहेत. या भी चांगला स्ट्रोक आहे, जेलची शक्यता असेल, परंतु फ्रीचा हा चेंडू आहे. एक धाव तर कंप्लीट केली आहे आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या दोन ने पुढे सरकते 61 61 धाव धावफलकावरती. तर सन्माननीय सुभाष भेरले साहेबांच्या शुभ असे टॉस केला जातोय. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, सुरेख टायमिंग आपण पाहतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली आहे, चेंडू ट्रॅव्हल तो डीप पॉइंटला. दोन धाव पूर्ण. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन फलंदाजांमध्ये. सामना चार षटकांचा असेल याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. टॉस करतोय पार्थ 11 जय बोले मात्रेपाडा या टीमने टॉस जिंकलाय आणि चार षटकांचा सामना असेल आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 63 धावा. धावांचा डोंगर उभं केलं या मैदानावरती स्वर्गीय महेश मूर्ती पोगाव या टीमने. अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय, वाईड यॉर्करचा वापर करतोय, इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय गोलंदाज अविनाश. पहिल्या सामन्याचा हिरो आपण पाहतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी अविनाशने केली होती, तोच अविनाश आपण पाहतोय या सामन्यामध्ये देखील अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. राईटम राऊंड विकेटने मारा करतोय आणि स्ट्रायकिंग फलंदाज तुषार गायकर. या 20 मिस टायमिंग आहे, जेलची शक्यता असेल. जज क्षेत्ररक्षक आणि सुरेख जेल टिपलाय फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय आणि पहिल्या चार षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर पोगाव या टीमची धावसंख्या आहे 63 आणि 64 धावांचं लक्ष ठेवलंय या मैदानावरती. आपण पाहू शकाल पोगाव या टीमने कुलगाव या संघासमोर.
इन्वाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ सिद्धी करवले गावचा एक बुलंद आवाज आणि आमचे आदर्श योगेश मडवी यांना। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, फिर एक बार सभी दर्शकों का दोपहर के सत्र में स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा मुकाबला, पहले दौर का पहला मुकाबला दोस्तों मैदान के ऊपर होगा। मुकाबला बेहतरीन है, 63 रन बनाकर 64 रनों का बड़ा टारगेट इस मैदान के ऊपर रखा है। पोगांव टीम ने बल्लेबाजी की और 63 रन बनाए, अब कुलगांव टीम के सामने 64 रनों का लक्ष्य होगा। दोनों तगड़ी टीम है, दोनों बराबर की टीम है और ताकतवर टीम है, तो मुकाबला भी उतना ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। और इसके बाद मुकाबला होगा दो बड़े टीमों के बीच, मुकाबला होगा अंबे बनाम मातृपाड़ा, दोनों के बीच होगा। तो 63 रन बने, 64 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर, और उसका पीछा करने यहां से सलामी जोड़ी कुलगांव टीम की ओर से पासी हुई मैदान के ऊपर, दो सलामी वीर बल्लेबाज सिद्धेश और तेजस, ये दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके हैं। तो पहला ओवर गेंदबाज के लिए तैयार, पहले पावर प्ले का ओवर जो निर्णय का ओवर होता है। यदि यहां पर स्टार्ट अच्छी मिली तो मैं कहूंगा इस मुकाबले को जीतने का सपना रखेगी कुलगांव टीम, क्योंकि पावर प्ले के ऊपर आपकी नजर होगी। जो पावर प्ले यदि अच्छा रन बनते हैं, शुरुआत अच्छी मिली तो लक्ष्य बड़ा है, आप उसे चेस कर सकते हैं। दोनों टीम को शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। बिल्कुल एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, कई सारे दर्शक इस मुकाबले का लुप्त उठा रहे हैं, उन सभी दर्शकों का स्वागत। गेंदबाज तैयार, पहला ओवर ज्ञानेश्वर गेंदबाज के लिए तैयार। हाँ, बेहतरीन गेंद यहां पर गुडलेन के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, समर इन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। दो खिलाड़ी आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी, एक मिड विकेट में, बाउंड्री लाइन के ऊपर दो ही खिलाड़ी है। यॉकलैंड की गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश की थी मगर एक रन मिला। एक रन के साथ यहां पर कुलगांव टीम का खाता खोलता हुआ, एक के साथ टीम की टोटल बनी एक रन बगैर विकेट के नुकसान पर। कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच में, तापमान की बात करेंगे तो 30 अंश सेल्सियस बहुत कड़क तापमान है बिल्कुल, और इस कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला, बिल्कुल आज सुपर संडे, सुपर मुकाबले दर्शक इंजॉय कर रहे हैं। आज और एक अर्धशतक देखने को मिला योगेश माथे के बल्ले से, कल तक हमने कुल मिलाकर 7 अर्धशतक देखी थी और आज यहां पर और एक अर्धशतक लगाया। तो टीम की टोटल की बात करेंगे तो यहां पर बनता हुआ टोटल स्कोर एक रन बना है। ये गेंद, बिल्कुल यहां पर गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के तरफ और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, यह पहला खूबसूरत चौका आता हुआ बल्लेबाज तेजस के बल्ले से, टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई। बेहतरीन संगीत सुनाते हुए मेरे डीजे मास्टर जो प्रेक्षक को, दर्शकों को यहां पर, और ये देखिए बिल्कुल स्कूप करना चाहते थे, बिल्कुल ये गेंद बहुत तेजी के साथ गेंद थी और उतनी तेजी के साथ स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बिल्कुल ऐसे स्ट्रोक खेलने के लिए आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरी बात कि आपकी नजर तेज होनी चाहिए। यदि ये दो बातें आपके पास है तो ऐसे स्ट्रोक आप खेल सकते हैं। टीम की टोटल एक साथ बढ़ती हुई, टीम के टोटल 6 के ऊपर पहुंचता हुआ, टीम को जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 64 रनों का बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल
पिछले मुकाबले में 84 रनों का लक्ष्य रखा था मानसरली टीम के सामने, मातेपाड़ा टीम ने वो एक तरफा मुकाबला रहा था, मगर इस मुकाबले में बात करेंगे तो अब तक टीम की टोटल है 6 रन, 64 रनों का टारगेट है, 5 गेंदे फेंक चुकी है और 5 गेंदों में केवल अब तक 6 रन बने, काफी धीमी शुरुआत। यह बेहतरीन स्ट्रोक है मिड ऑफ के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की बाहर, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर के समाप्ति के बाद यहां से कुलगांव टीम के टोटल है बगैर विकेट के नुकसान पर 10 रन। तो जीत के लिए लक्ष्य है 1 बार सामने की तरफ गेंद को खेला, गेंद जाती हुई स्टेट ड्राइव गेंद को किया, जब तक गेंद को रोके हुए गए, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास। ये देखिए तू तू मैं मैं, ये अच्छा कॉल नहीं है क्योंकि दोनों के बीच तालमेल नहीं था, यस नो यस नो यस नो करते करते इस बार लौटना पड़ा बल्लेबाज को। तो बिल्कुल रिव्यू लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम, दोनों टीम को एक एक रिव्यू होता है, यदि आप सक्सेसफुल रहे तो आप दोबारा ले सकते हैं, मगर रिव्यू चेक करेंगे, ये बॉल चेक करेंगे हमारे जो कमिटी मेंबर, बताएंगे कि ये गेंद बीमर है या फिर अच्छी गेंद है। तो इसी दरमियान सन्माननीय अल्पेश जी भोईर साहब जिनका आगमन होता हुआ और उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे ऑप्टिकल चषक 2021 में। आइए साहब, जिनका इंतजार हम कर रहे थे 5 दिन से, आज सन्माननीय अल्पेश जी भोईर साहब जिनका आगमन होता हुआ।
तो थर्ड अंपायर डिसीजन नो बॉल, बिमर गेंद है और ये 7 रन मिलेंगे और इस 7 रन से टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई, टोटल स्कोर बने 20 रन और आने वाली गेंद होगी फ्रीड, बल्लेबाजों का और एक सुनहरा मौका। इस बार गेंद को खेला ऑफसाइड में, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और इस बार चौका मिलता हुआ। और इस दरमियान जनशामी अतुरते ने वाट पाहत होतो ते आमचे सर्वांच लड़के सन्माननीय अल्पेश शेठ भोई साहेब यांचं आगमन झालंय आणि त्यांचं देखील आम्ही आपटीकर चषकामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे। त्यांच्या समवेत रायतेचे संतोष शेठ सुरोशी हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहे। इस बार गेंद को खेला की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को रोके और फेंके, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था रन लेने का एक, और इस एक रन के साथ टीम पहुंची है 25 के ऊपर। टीम के सामने लक्ष्य रखा है 64 रनों का, यह दूसरा ओवर है और अब तक टीम का टोटल है 25 रन। अभी भी यहां पर फाइटिंग देनी होगी, अभी भी यह मुकाबला जीतना है तो बड़ी कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब जीतने के लिए यहां से चाहिए 39 रन बचे हुए गेंदों के ऊपर। बची हुई गेंदे हम बात करेंगे तो 14 गेंदे बची है, 39 रन की आवश्यकता। एक शानदार मुकाबला, बैट का अंदरूनी सा लगा, बिल्कुल यह मौका था बल्लेबाज के पास एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी और एक रन मिला और एक रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई टोटल बनी है 26। अभी भी 38 रन की आवश्यकता है, 13 गेंदे बची है और 38 रन की आवश्यकता। दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ ये बड़ा मुकाबला, एक तरफ जहाबाज है तो दूसरी तरफ जिगरबाज है, कश्मकश भरा मुकाबला दोनों के बीच में चलता हुआ रंगीन मुकाबला। या चिस्टोक ऑफसाइड में, तेज तर्रार, उतनी लाजवाब फील्डिंग, गेंद को रोकने में कामयाब रहे और 2 रन बने आखिरी गेंद के ऊपर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के खेल समाप्त होने के बाद यहां से टीम की टोटल है 28 लॉस ऑफ 1 विकेट। आपण पाहिलं 23 जानेवारी आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती साजरी झाली, कारण आपण पाहतो आपले हिंदुहृदय सम्राट ज्यांनी मराठी माणसाला ताटमानेने जगायला शिकवलं, त्याचबरोबर मराठी माणसाचं मानबिंदू हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची जयंती होती। सत्ता हाती नसतानाही दिल्लीपर्यंत दबदबा होता, सत्ता हाती नसतानाही दिल्लीपर्यंत दबदबा होता, पानांनाही लाजवणारा वक्तृत्वाचा धबधबा होता, डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रूंना आज मुभाय, कारण साहेब तुमच्याचमुळे मराठी माणूस आज उभा आहे। कारण छत्रपती मुले आपण हिंदू म्हणून जन्माला आलो आणि बाळासाहेब ठाकरेंमुळे आपण हिंदू म्हणून अभिमानाने जगलो, त्यांची जयंती काल साजरी झाली, त्याची आठवण डीजे मास्टरच्या माध्यमातून। बॅटची एज लागली आहे, मात्र 1 रन मिळेल। तो टीम की टोटल की बात करेंगे तो 29 रन बने, अभी भी जीतने के लिए 35 रन की आवश्यकता होगी, 11 गेंदें बची और मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 35 रन की आवश्यकता है। अभी भी मुकाबला हारे नहीं है, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, जब तक आखिरी रन या जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता तब तक मुकाबला खत्म नहीं है। एक एक रन से तो काम नहीं चलेगा, मैंने पहले भी कहा लक्ष्य बहुत बड़ा है और ऐसे समय में सिंगल डबल से आपका काम नहीं चलेगा, जीतने के लिए आपको अब 34 रन की अभी भी जरूरत है। टीम की टोटल बनी है 30 रन, अभी भी 34 रन की आवश्यकता है बची हुई गेंदों के ऊपर। सिंगल डबल से तो आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी बची है 10 गेंदे और रन चाहिए 34, 10 गेंदे 34 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला आप देख रहे हैं दो बड़े टीमों के बीच में, भोगाव बनाम कुलगांव के बीच में मुकाबला,
दूसरे के लिए पलटे, बेहतरीन रनिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है और दो रन मिलते हैं। फिर एक बार दो रन का इजाफा और दो रन से टीम आगे बढ़ती है। 32 के ऊपर आधा सफर अब तय हो चुका है 15 गेंदों में, मगर अब बची भी 9 गेंद में अब 32 रन की आवश्यकता है। 9 गेंदे 32 रन आप कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही बात मन में रखनी है, एक ही बात आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है कि मैं कर सकता हूं इस मैदान के ऊपर। यह फुल टॉस गेंद और दाग दिया इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, यह बिग सिक्स। तो जीत के लिए अब लक्ष्य की हम बात करेंगे तो 26 रन की आवश्यकता। बाजी पलटने में वक्त नहीं लगता, यह क्रिकेट का खेल है दोस्तों। और यह देखिए जिस बल्लेबाज ने जीत की उम्मीद लगाई थी वो बल्लेबाज मैदान से बाहर होते हुए इस समय बल्लेबाज अभी बैक टू द डगआउट। सफलता मिली, बड़ी सफलता, क्योंकि आप समीकरण बदल चुका है। 7 गेंदे बची है और 26 रन की आवश्यकता। टीम की टोटल है यहां से 38, अब चाहिए 7 गेंद में, बची भी 7 गेंदे बची है और अभी भी 26 रन की आवश्यकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। यह बेहतरीन डिलीवरी, गेंद पड़ने के बाद बाउंस भी, बल्लेबाज यहां पर डॉट खेले और डॉट बॉल की समाप्ति। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए 26 रन। थैंक यू। तर आपण जाऊया व्यासपीठावरती जिथे मान्यवरांचं आगमन झालंय। अर्थातच आपण पाहतोय आमच्या ठाणे जिल्हा युवा सेना उपाध्यक्ष सन्माननीय ऍडव्होकेट अल्पेशजी भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान होईल आमच्या व्यासपीठावरती। मी विनंती करेल शशिकांत शिसवे यांना की आपल्या शुभासे साहेबांचा सन्मान करायचा आहे। व्यासपीठावरती आपण पाहतोय आपल्या ठाणे जिल्हा चे युवा सेना उपाध्यक्ष सन्माननीय ठाणे जिल्हा युवा सेनेचे सचिव सन्माननीय अल्पेश जी भोईर साहेब या ठिकाणी आहेत। एक चांगले व्यक्तिमत्व आणि आज आमच्या व्यासपीठावरती त्यांचा सन्मान होतोय। त्याचबरोबर आपण पाहतोय रायते ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय संतोष सुरोशी साहेब देखील उपस्थित आहेत आणि त्यांचा देखील सन्मान होईल आमच्या या व्यासपीठावरती दीपक शिसवे यांच्या शुभासे। रायते ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच एकेकाळी सरपंच पदावरती असताना या विभागाचा विकास ज्यांनी घडवून आणला ते आमचे सर्वांचे लाडके सन्माननीय या ठिकाणी संतोषजी सुरोशी साहेब यांचा सन्मान होत आहे। त्याचबरोबर विशेष उपस्थिती आमच्या व्यासपीठावरती महेंद्रजी मस्कर साहेब उपस्थित आहेत। काल देखील त्यांची उपस्थिती होती, आज देखील। थँक्यू सो मच, त्यांचं देखील आपण मनापासून स्वागत करूया आणि जाऊया मैदानावर। तजवीद के लिए आप 5 गेंद में चाहिए 25 रन की आवश्यकता। दिल्ली दूर है, अब दिल्ली जाना है तो आपको भाई कार या बाइक से नहीं जा सकते, आपको हवाई सफर करना पड़ेगा, यानी कि आपको चौके छक्के लगाने होंगे। तो मात्र बेटा टीम अगला मुकाबला कहीं गुम होए तो आप कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में आइए, इंतजार है। पिंटू मात्रे आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी खिलाड़ी यहां पर जीतने के बाद जो जश्न मना रहे हैं, कई गुम हो गए, सभी को इकट्ठा होना है। तो चलते मैदान के ऊपर, मुकाबला आप जीतने के लिए 24 रन, 4 गेंदे बची है, 4 गेंदे 4 छक्के आप जीतने के लिए यहां पर चाहिए। कुलगांव टीम को जो एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था पिछले मुकाबले में, मगर इस मुकाबले में थोड़ा सा उनका पलड़ा नीचे रहा और
अब यहां पर चार गेंदे 24 रन की आवश्यकता। ये गेंद पढ़ने के बाद अंपायर डिसीजन, व्हाइट बॉल बाउंस हुई, काफी बाउंस हुई और वन बाउंस अलाउड, बिल्कुल ऑर्निंग दिया, बिल्कुल एक रन। और अब जीतने के लिए चार गेंद 23 रन की आवश्यकता, चार गेंद 23 रन कहीं महत्व है दोस्तों बने, बस आपके पास वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मार सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकती है साहब, बस झुकाने वाला चाहिए। बेहतरीन गेंद, अब इस मुकाबले को नहीं जीत पाएंगे क्योंकि अब ये मुकाबला एक तरफा बनता हुआ, क्योंकि अब जीतने के लिए 22 रन 3 गेंद में 21 रन बनते हुए देखे। जो वावंजा जो पनवेल विभाग का एक ग्राउंड है वहां पर प्रतियोगिता थी और तीन गेंद में पेंद्र टीम के बल्लेबाज ने रन बनाए थे 21, आज भी मुझे वो याद है, मगर अब यहां पर 22 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, सामने की तरफ गेंद को खेला, ऑफ साइड में स्ट्रॉन्ग शॉट, गेंद जाती भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। औपचारिक मैदान के ऊपर है, बची भी दो गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 16 रन की आवश्यकता है। दो गेंदे 16 रन, प्रयास मैदान के ऊपर जारी है इस बल्लेबाज का जो सुदर्शन, पर एक बार खेलना चाहते थे मगर गेंद पड़ने के बाद बाउंस हुई और अब यहां पर आखिरी गेंद बची है। यह मुकाबला पूरी तरह से मैदान के ऊपर मजबूत होता हुआ पोगाव टीम के पक्ष में, जिस टीम ने बल्लेबाजी बेहतरीन की और गेंदबाजी भी उनकी ताकत पर रही और यह ताकत साबित हुई, मुकाबला आप जीत की कगार पर खड़ी है और इस बार यह मुकाबला जीते मैदान के ऊपर, इस मुकाबले को जीता स्वर्गीय महेश मोती पोगाव टीम ने। कांग्रेचुलेशन पोगाव टीम, हार्ड लक कुलगांव टीम, इस प्रतियोगिता से बाहर हुई है कुलगांव टीम। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा दोनों मलंगड़ की दो बड़ी टीम में, दो शेर आप इस मैदान के ऊपर होंगे, यानी कि अंबे बनाम मातृपाड़ा। अगला मुकाबला कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि मुकाबला बेहतरीन होगा, एक ही विभाग की मलंगड़ विभाग की दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने इस मुकाबले में आप देख सकते हैं। ये मुकाबला जीता यहां पर पोगाव टीम ने और मुकाबले का हीरो जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो इस मुकाबले का हीरो जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चार छक्के दागे थे, 25 रन की पारी खेलने वाले त्रिमूर्ति मैन ऑफ द मैच। तो सम्माननीय अल्पेश जी भोईर साहब, जिनकी शुभ हाथों से इस खिलाड़ी को ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा, आइए त्रिमूर्ति, जिनका खेल आज के दिन में बेहतरीन रहा इस मुकाबले में और उन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हमारे अल्पेश जी भोईर साहब।